प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2 अगस्त 2021 सोमवार का दिन है, नवमी तिथि है, 2078 संवत्सर चल रहा है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में है और कृतिका नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और नक्षत्र के स्वामी का चंद्रमा से अपने से 11वें का संबंध बन रहा है। दर्शकों, सावन का महीना है और सोमवार का दिन और सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा अपने उच्च राशि में, इससे बड़ा शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। जब सावन का महीना हो और चंद्रमा भी उच्च राशि में हो, ऐसे जातक यदि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें चंद्रमा के नकारात्मक रिजल्ट को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जो लोग भी चंद्रमा का उपाय करना चाहते हैं, शिव जी की पूजा अवश्य करिए, दूध का दान करिए, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, मैं बात आज साधारणतया रोज के किए जाने वाले उपाय की कर रहा हूं। इस दिन आपको एक उपाय अवश्य करना है और वो ये कि चंद्रमा माता का कारक होता है, उच्च का चंद्रमा है, सोमवार का दिन है और श्रावण मास चल रहा है। आप अपने घर के अंदर यदि आपकी माता आपके साथ रहती है तो वो आप करिए। अगर मान लीजिए माता आपके साथ नहीं रहती है तो माता समान किसी भी स्त्री को आप ये चीज कर सकते हैं। करना क्या है, एक छोटा सा उपहार अपनी तरफ से उन्हें दीजिए। वो उपहार चाहे 5-10 रुपए का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। अगर इतना भी कुछ नहीं तो जो स्त्रियां हैं वो अपने सास या अपने माता, दोनों में से किसी के भी या कोई माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करके उन्हें 10-20 रुपए अवश्य दें। और जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे, वो अपने माता के चरण स्पर्श करके उन्हें कोई छोटा सा उपहार अवश्य दें। जो भी आपको लगता है कि आपकी माता को इस चीज की आवश्यकता है, अपनी तरफ से वो चीज उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए। माता को नहीं दे सकते हैं तो माता समान स्त्री को भी आप ये चीज दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी महिला को, यानी मंदिर में बहुत से ऐसे बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं जो अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बैठी होती हैं, आप उनको अगर एक दूध का पैकेट भी दे देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो 10 रुपए अपनी तरफ से उनको दे दीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। मात्र इतना सा उपाय कीजिए। दर्शकों, कितना ही खराब चंद्रमा क्यों ना हो, निश्चित तौर पर आपको उस चंद्रमा को ठीक करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके चंद्रमा के बिगड़े हुए हर काम को बनाने की ताकत रखता है। माता स्वरूप स्त्री को उपहार देना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये बिगड़े हुए चंद्रमा को ठीक करने का सर्वोत्तम साधन है और आपको इस दिन ये करना भी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा भी कीजिए और माता समान स्त्री को कुछ उपहार दीजिए या उन्हें 10-20 रुपए दे करके भी उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। ये काम आपको करना चाहिए। इतना सा मात्र उपाय आप कीजिए, निसंदेह सावन के महीने के अंदर इस सोमवार का विशेष फल आपको अवश्य प्राप्त होगा और चंद्रमा के नकारात्मक रिजल्ट भी जरूर कम होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय गो माता, जय गोपाला। दोस्तों, आज मनोज जी की तरफ से दुर्गापुरा गौशाला में चारा वितरित किया जा रहा है, जो कि यह बृहस्पतिवार और रविवार को तो करते ही हैं और आज रविवार शनिवार का दिन चुना है इन्होंने और पूरी गायों को चारा खिला रहे हैं। आज शनिवार का दिन है और बारिश के कारण पब्लिक कम है।
गायों के प्रति इनका अटूट प्रेम रहा है। ये नहीं, इनका पूरा परिवार गौशाला में आता है और सेवा करते हैं।